बांगड़ा ले लेंगे। बांगड़े में देखो मैंने कट्स लगा ली हूँ अच्छी तरह से अंदर तक मसाला जाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये कट्स में मसाला लगा लेंगे। देखो मैं किस तरह से घस के इसका निकाल रही हूँ ना, छिलका उसी तरह से निकालेंगे, आसानी से निकल जाता है। अब क्या करेंगे, अभी जो भाजी हमने काट के रखी है ना ये डाल देंगे। साथ ही आलू भी डाल देंगे। आलू और भाजी को हम एक मिनट तक भून लेंगे। तो एक साइड से हमारी मच्छी जो है वो फ्राई हो गई है। चलिए अभी से पलटते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए हमारी आलू परवल की सूखी भाजी, इसको भी मैं डिश आउट कर देती हूँ। देखिए माशाल्लाह, देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। मॉर्निंग हो गई हमारी, नाश्ता वगैरह भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो देखिए दोपहर के खाने में आज क्या बन रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल, स्टीम राइस और बांगड़ा फ्राई और परवर की भाजी रोटी। यहाँ पर देखो बांगड़ा फ्राई करने के लिए मैंने बांगड़े धो के कट करके अच्छी तरह से ले ली हूँ। और ये है इसके अंडे बांगड़े के, बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्राई करेंगे ना। और साथ में मैं परवर की भाजी बना रही हूँ। और ये दोनों रेसिपी मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ, मैं बनाती भी हूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ। चलिए सबसे पहले हम बांगड़ा मच्छी को मसाला लगाते हैं, मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले के लिए एक चम्मच लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएगा दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच दाल दी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक। अब इसमें जाएगा सपना टिक्का मसाला। आज ये जो चाचा से मैंने ली थी ना मच्छी मार्केट में, वही मसाला है। ये डालने से क्या है, मच्छी का टेस्ट भी अच्छा आता है और तेल भी कम सोखती है मच्छी। तो ये मैं दो चम्मच डालूँगी, है तो डालिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैं दो चम्मच डाली। इसमें डालेंगे एक नींबू का रस, ज़रा चटपटा टेस्ट आने के लिए। एक नींबू का मैं रस डाल रही हूँ, इससे क्या है ना मच्छी बहुत अच्छी चटपटी लगती है, तीखी खट्टी। तो ये मैंने एक नींबू का रस डाल दी। अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे मसाला और पानी थोड़ा सा डालेंगे, बस थोड़ा डालना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें मसाले को। और इसको सारे मसाले को मिक्स कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, बांगड़ा ले लेंगे। बांगड़े में देखो मैंने कट्स लगा ली हूँ अच्छी तरह से अंदर तक मसाला जाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये कट्स में मसाला लगा लेंगे। ये मच्छी तो सबको पसंद आती है, बड़ों को छोटों को, मेरे घर में सब बच्चे खाते हैं ये मच्छी, कोई भी मच्छी खाते हैं, सब मच्छी नहीं खाते उन लोग, बांगड़ा सबका फेवरेट है। तो इस तरह से अंदर भी लगा लेंगे, ये मैं ऊपर से भी लगा लेती हूँ। तो ये दोनों साइड से मैंने बांगड़े पे मसाला लगा ली हूँ अच्छी तरह से, इसको हम प्लेट में रख देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे बांगड़ों पे मसाला लगा के रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे मच्छी को मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख दूँगी ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से मच्छी में लग जाए। 10 मिनट के बाद इसको फ्राई करते। यहाँ पर मच्छी में भी मसाला लग गया और जो मच्छी के अंडे थे उसमें भी मैंने मसाला लगा दी। चलो ये रखते हैं साइड में। और जब तक हम क्या करेंगे, हमारा परवर की जो भाजी है ना उसकी तैयारी करते हैं वहाँ बैठ के। या तो किचन में बहुत गर्म हो रहा है, हॉल में बैठ के मैं इसको साफ़ करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये परवर को ना ऊपर से इस तरह से
चाकू से छील लेंगे। देखो मैं किस तरह से घस के इसका निकाल रही हूँ ना, छिलका उसी तरह से निकालेंगे, आसानी से निकल जाता है। तो सारे परवल को मैं इस तरह से छील के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो परवल मैंने छीलने के बाद देखो धो दी, इसको धो ली अच्छी तरह से। अब ये काट लूँगी ऊपर से और नीचे से, दोनों साइड से कटिंग करके बीच में से इस तरह से काट लेंगे। ये जाड़े जाड़े अगर बिंज रहेंगे ना मोटे तो इसको निकाल लेंगे, अगर पतले बिंज रहेंगे तो वो रहने देंगे, वो कौले रहते हैं ना वो अच्छे भी लगते हैं खाने में, और ऐसे मोटे रहेंगे तो ये निकाल के साफ कर लेंगे। ये मैं आलू और परवल की सूखी भाजी बना रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं काट रही हूँ। आलू भी हम इसी तरह से काटेंगे जिस तरह से परवल काट रहे हैं, ज़्यादा पतला नहीं काटना है, थोड़ा मोटा ही काटेंगे। इसी में ना ऐसे बिंज निकलते एकदम कौले, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है साफ़ करने की, उसको डायरेक्ट ही हम काट देंगे, क्योंकि नरम बिंज रहते हैं ना वो खा सकते, कड़क नहीं लगते। ये देखो किसी किसी में जाड़े बिंज रहते, किसी में नरम बिंज रहते। अब मेरा ये परवल तो कट हो गया, अब मैं आलू कट कर रही हूँ, इसी तरह से काटेंगे वो भी। चलो अभी आलू भी छील के मैं उसी तरह से काट देती हूँ। आलू छील ली हूँ मैंने, अब इसको भी हम उसी तरह से कट कर लेंगे, ज़्यादा पतले नहीं थोड़े मोटे मोटे ही पीस कर लेंगे। देख सकते पीस कितने मोटे। अब इसको धो लेंगे, परवल तो नहीं धोएंगे, वो पहले मैंने धो ली थी, आलू को धो लेंगे। तो आलू परवल को मैंने अच्छी तरह से कट कर ली हूँ। चलिए अभी सबसे पहले हम भाजी बना लेते हैं, उसके बाद मच्छी फ्राई करेंगे, जब तक वो मसाला लगा रहेगा मच्छी पे अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी। तो भाजी को बघार देती हूँ, देखिए कैसा। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल डाल दी, तेल गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल में सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, इसमें ज़ीरा तड़कने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून लहसुन, लहसुन और ज़ीरे का बघार देंगे तो अच्छी खुशबू आती है। तो 1 मिनट लहसुन डालकर भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसी के साथ डालेंगे 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और 1 प्याज रफली चॉप किया हुआ, इसमें प्याज 1 मैंने रफली चॉप कर दी। अब क्या करेंगे, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का नरम हो जाए ना 1 मिनट पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर भी हम इसमें भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब क्या करेंगे, अब ये जो भाजी हमने काट के रखी है ना ये डाल देंगे, साथ ही हम आलू भी डाल देंगे। आलू और भाजी को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अच्छे से 1 मिनट भून लेती हूँ मैं इसको। तो 1 मिनट हो गया, मैंने आलू और परवल को तेल में अच्छी तरह से भून ली हूँ, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है इसकी, माशाल्लाह। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम स्लो करेंगे, स्लो फ्लेम पर ढक्कन डालकर हम इसको 10 मिनट पकने देते और पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, 10 मिनट तक भाप में ये पकेगी। ये बीच में 1-2 बार चलाते भी रहेंगे, फिर 10 मिनट पकती है उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर स्लो फ्लेम पर हमारी भाजी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके, चलिए देखते हैं। इसमें 1-2 बार मैंने चम्मच भी चलाई थी ताकि जले ना हमारी भाजी। हमारी भाजी पक चुकी है, आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। मसालों में देखो मैंने क्या क्या ली हूँ, इधर पर ली हूँ मैंने 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। चलिए अभी ये डाल देंगे मसाले हम भाजी के अंदर, बिस्मिल्लाह। मसाले डालकर भी मिक्स कर लेते, ज़्यादा मसाले नहीं जाती है, जाते ये सूखी भाजी में
पर खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। अपने हस्बैंड को आप लोग टिफिन में भी दे सकते हैं या सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। इस तरह की सूखी भाजी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए मसाले डालकर मैंने मिक्स कर लिया, देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया इसका, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको ढक कर बस 2 मिनट और पकने देंगे ताकि जो मसाले हमने डाले वो सारे हमारी भाजी में अच्छी तरह से लग जाए। तो अब ये 2 मिनट पकती है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे का। यहाँ पर हमारी भाजी को फिर से पकते हुए 2 मिनट हो चुके, चलिए अभी देखते हैं। माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारी भाजी जो है वो पक चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। आलू भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए, है ना। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रख के रख देते हैं, और जब तक हम जो मच्छी को मसाला लगा के रखें वो मच्छी फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने तवा रख दी मच्छी फ्राई करने के लिए। अब तवे में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। देखो 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म होने देंगे। और यहाँ पर मैंने मच्छी को मसाला लगा के ना फ्रिज में रख दी थी, और अभी मैंने इसको निकाल दी हूँ बाहर। अभी इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अभी एक एक करके हम मच्छी को तेल में रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मच्छी को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लग जाता है एक साइड से फ्राई होने के लिए। ये फ्राई होती है फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो एक साइड से हमारी मच्छी जो है वो फ्राई हो गई है। चलिए अभी से पलटते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए मसाले, है ना। अब दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई कर लेते मीडियम फ्लेम पर। अच्छी हमारी जो मच्छी है कुरकुरी फ्राई हो जाएगी, ठीक है, फिर बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा बांगड़ा जो है दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी कड़क फ्राई होता है, देखिए आप लोग, है ना। तो मैं अब निकाल लेती हूँ बाहर, देख सकते कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। इसलिए टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। मैं कभी भी मच्छी स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करती हूँ, हाई फ्लेम पर नहीं। और बाकी की भी मच्छी जो है वो इसी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। आज जुमेरात है ना तो प्लेन बहुत जा रही है, आवाज़ भी इसलिए आ रही है। तो ये देखिए ये हमारे बांगड़े फ्राई हो चुके हैं, टेस्टी टेस्टी कुरकुरे बांगड़े फ्राई, है ना। और यहाँ पर हमारी परवल की भाजी को भी हम डिश आउट कर लेते हैं, जो आलू परवल की भाजी बना के रखे हमने। देखिए हमारी आलू परवल की सूखी भाजी, इसको भी मैं डिश आउट कर देती हूँ। देखिए माशाल्लाह, देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसको रोटी के साथ खाना बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है, और खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है क्योंकि इसमें कसूरी मेथी वगैरह डाले ना, इसीलिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये दोनों रेसिपी, बांगड़ा फिश फ्राई और आलू परवल की सूखी सब्जी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने घरों में मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, जितनी दिखने में अच्छी है खाने में भी उतनी टेस्टी और ज़बरदस्त लगती है, ठीक है। तो अभी चलो आप लोग खाना खाते हैं, अभी मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, मेरे शौहर को टिफ़िन भेजना है क्योंकि वो आज जल्दी चले गए। अभी मैं हम लोग भी खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हो गया हमारा, खाना खा ली और मेरे शौहर को टिफ़िन भी भेज दी। हाँ, अभी हमारा थोड़ा फ्रिज ख़राब हो गया है, तो शौहर को मेरे फ़ोन की थी कि फ्रिज वाले को बुलाओ चेक करने के लिए, तो आए थे चेक करके गए हैं। क्योंकि फ्रिज में ना पानी, अगर फ्रिज बंद कर दो तो पानी बहुत निकलता है, तो वही चेक कराना था। तो अभी आ रहे बनाने के लिए, फ्रिज बनाने के लिए आएंगे, फिर मैं आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ।
तो अभी माशाल्लाह फ्रिज बनाने वाले आ गए हैं और फ्रिज बनाने का काम चालू है। दिखाती हूँ, यहाँ पे काम चालू है। हसन बैठा है साथ में करते हुए। तो जैसा कि आप लोगों को बताई मैंने, फ्रिज हमारा थोड़ा पानी छोड़ रहा था, तो बनाने वाले आए थे, बना के चले गए। कुछ एक वायर खराब हो गया था फ्रिज के अंदर का, तो वही बना के अभी गए हैं। देखते हैं अभी क्या कैसा चलता है फ्रिज। अभी शाम भी हो गई है, तो अभी मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। चाय बन रही है यहाँ पर हमारी, चाय पीती हूँ। फिर मगरिब की नमाज़ का वक्त होता है, नमाज़ भी पढ़ना है, तो अभी चाय पीते पीते फिर आप लोगों से मैं बात भी करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए चाय बन के आ गई मेरी चाय, और साथ में मैं खा रही हूँ टोस्ट। मेरे शौहर लेकर आए थे ये शालीमार बेकरी के टोस्ट बटर लेकर आते हैं हमेशा शाम में नाश्ते के लिए, इतने अच्छे रहते हैं टोस्ट वगैरह। अभी मैं जल्दी से अजान होने से पहले चाय पी लेती हूँ मेरी, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। अगर नहीं काम रहता है तो फिर मगरिब के बाद ही पीती हूँ। अगर आज काम वगैरह सब हो गया तो फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर ली मैंने, वो आए थे बनाने के लिए तो बना के गए, वैसे फ्रिज भी पूरा साफ करके धोधा के सही कर दिया। तो अभी मैं बैठी हूँ चाय पीने के लिए, चाय पीती हूँ, फिर मगरिब का वक्त होता है नमाज़ पढ़ती हूँ। और तो सैफान को भी भेजना है अरबी के लिए, पूरा रमज़ान भर उसकी अरबी की छुट्टी थी, अभी अरबी माशाल्लाह चालू हो गई है। बच्चे भी चाय पीते बैठे हैं और मैं भी चाय पी रही हूँ। चाय पीते पीते सोचिए अभी आप लोगों से बात करूँ और फिर ये वीडियो को एंड करूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी रेसिपी? रूटीन तो मैंने कुछ ज़्यादा बताई नहीं, रेसिपी से स्टार्ट करी आज मैं। तो आज मेरा बांगड़ा फ्राई और आलू परवल की सब्ज़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी अपने घरों में इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। तो चलो ये वीडियो को एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आपने दफ्तर का। चलो अल्लाह हाफिज़, चाय पी लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ए देखो आ गया सैफान। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।